हेलो दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों का जो है एक डाउट था, बार बार मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि आईपीएल का जो टिकट बुकिंग है वो कैसे करना है और किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। देखो, मैं आपको बुक करके तो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जिस वेबसाइट से हम लोग बुक करेंगे तो वहाँ पर जो है वो कॉपीराइट के कुछ इशू आ सकता है, इसलिए जो है मैं वो आपको नहीं दिखाने वाला। बस मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप बुक कर सकते हो और किस तरीके से जो है वो हम लोग बुक करते हैं और कैसे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले देखो, आईपीएल के टिकट जो है आप अगर आईपीएल T20 पे खोज रहे हो तो नहीं देखने को मिलेगा। इसका पूरा वेबसाइट जो है वो देख लोगे आईपीएल का, तो आपको जो है कहीं भी टिकट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ना उस चीज़ से जो है परे रहते हैं। अब देखो, यहाँ पर टिकट जो है आप कैसे बुक कर सकते हो। सबसे पहले आप जिस भी टीम का टिकट जो है बुक करना चाहते हो, जैसे आप देखोगे ना तो बहुत सारे टीम का जो टिकट्स है वो ऑलरेडी जो है सोल्ड आउट हो चुका है बहुत सारे ग्राउंड का। तो जिसका भी जो है वो होम ग्राउंड है, जैसे आप आरसीबी के मैचेस को बुक करना चाहते हो, तो जो बेंगलोर का होम ग्राउंड है उसका आरसीबी के वेबसाइट पे जाओ, आरसीबी का जो वेबसाइट है उस पे जाओ। अगर आप दिल्ली का बुक करना चाहते हो तो दिल्ली का जो टीम है, दिल्ली कैपिटल, उसके वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर आपको बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरह जो भी टीमें हैं आप उनके वेबसाइट पर जो है जाकर बुक कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप जो पेटीएम इनसाइडर है, जो insider.in के नाम से आता है, वहाँ पे जो है डायरेक्ट जाकर बुक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से जो है टिकट आपको देखने को मिल जा रहा है, जो कि पेटीएम जो है इनका ऑफिशियल पार्टनर है अभी के लिए। टीम इनसाइडर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, तो ये सीनरी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब देखो, टिकट की अवेलेबिलिटी पे जो है बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन रहता है कि टिकट की अवेलेबिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, टिकट की अवेलेबिलिटी अगर आपको अभी देखते भी हो तो अगर रिसेंट में आप लोगों 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले का, तो आपको हो सकता है कि काफ़ी हाई प्राइस वाला जो है मिले, क्योंकि आईपीएल की टिकट बुकिंग जो है वो बहुत सारे लोग आईपीएल स्टार्ट होने से पहले से कर रहे हैं और उनको जो है ऑलरेडी मिल भी गया है। अब देखो, टिकट जब बुक करते हो तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि टिकट हमें मिलेगा कैसे। तो देखो, अगर आपने टिकट जो हो 4 दिन 5 दिन या 7 दिन पहले किया है, तो आपके घर पे 3 दिन पहले होम डिलीवरी हो जाएगा, जो कि एड्रेस मांगेगा, जिस एड्रेस पर जो है आप जो है वो एड्रेस जो देते हो उस एड्रेस पे जो है ये होम डिलीवरी हो जाता है। लेकिन अगर आप जो है जैसे कल मैच है आज बुक करते हो, तो वहाँ पे जो है ना पिकअप सेंटर ये रखते हैं, जहाँ से जाके आप अपने टिकट जो है पिक कर सकते हो और वहाँ उसके बाद से जो है आप देखने जा सकते हो। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि आप कितने दिन पहले कर रहे हो। अगर एटलीस्ट आप 7 दिन पहले कर रहे हो, 5 दिन पहले कर रहे हो, तो 2-3 दिन पहले आपके घर पर होम डिलीवरी हो जाएगा। और अगर आप एग्जैक्ट टाइम पर कर रहे हो, तो आपको जहाँ पर भी स्टेडियम है उसके आसपास ही कहीं पे जो है पिकअप पॉइंट रहेगा, जहाँ से जाके जो आप टिकट पिक कर सकते हो, उसके बाद जो है आप स्टेडियम में जा सकते हो। और सेल्फ पिकअप जो है वो अलाउ है, आप सेल्फ पिकअप जो है जाके कर सकते हो, चाहे कितने भी टिकट आप ले रहे हो। इसी अलावा जब बुक करते टाइम आपको सीट सिलेक्शन कैसे करना होता है, तो देखो बुक करते टाइम यहाँ पर देखोगे तो जो भी जो है आपको सीट अवेलेबल रहेगा वो आपको जो है पिंक कलर में दिखाई देता है, जहाँ से जो है आप उसे ले सक जाकर जो है सेलेक्ट कर सकते हो अपने प्राइस के हिसाब से, और वहाँ से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जो भी सीटें भर गई रही है वो ग्रे के हिसाब से जो है आपको दिखाई देती हैं। और जब पहली बार बुक करने जाओगे पेटीएम इनसाइडर पे, तो आपको जो है कुछ इस तरीके का जो है लेआउट दिखाई देगा। जैसे ये देखो, दिल्ली और KKR के जो 28 मैच हैं दिल्ली का, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको सब कुछ दिया रहेगा, कहाँ पर स्टेडियम हो रहा है, कब हो रहा है, किस टाइम हो रहा है। और यहाँ से जो है प्राइस से सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ प्राइस जो है आपको यहाँ पर कौन सा प्राइस जो है अवेलेबल है, इसके हिसाब से देख सकते हो। इसमें जो आप देख सकते हो कि ये जो है स्टेडियम है, जहाँ पे जो ये स्टैंड बने हुए हैं, इस स्टैंड के हिसाब से जो है प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। ये प्राइस के हिसाब आप जैसे सेलेक्ट करोगे वो स्टेडियम आपको सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद से जो आप यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा सीट जो है वो लेना चाहते हो। और उसके बाद से जो है आपको बुकिंग करते हुए दो चीज़ें जो मांगेगा आपको, सबसे पहले तो जो लॉगिन आईडी है वो मांगेगा, और साथ में आपका एड्रेस मांगेगा। एड्रेस अगर आप जैसे ये मैसेज जो है आप 20 का ही है, आज मैं 20 का ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसे सीनरी में क्या होता है कि ऐसे सीनरी में अगर ये बुक हो भी जाता है तो आपको जो है डायरेक्ट जाकर पहले टिकट पिकअप करना पड़ेगा, फिर जाके जो है आपको एंट्री लेना पड़ेगा। लेकिन अगर यही 7 दिन 8 दिन पहले करते तो ऐसा हो सकता था कि आपके होम जो है वो होम पे ये टिकट जो है डिलीवर हो जाए और उसके बाद से जो है आप देखने जा सकते हो। तो ये जो है सिनेरियो है जो कि बहुत ही सिंपल सिनेरियो है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है इसमें बहुत सारा जो है दिमाग लगाना है, बहुत ही आसानी से टिकट बुक कर सकते हो। थोड़ा बहुत जो है आपको देखना है कि सबसे पहले जो आप किसका टिकट बुक करना चाहते हो, जैसे ये दिल्ली का है, तो आप दिल्ली की वेबसाइट पर जो है डायरेक्ट जाकर इसे बुक कर सकते हो, या फिर KKR की वेबसाइट में भी डायरेक्ट जाके बुक कर सकते हो। तो यहाँ से जो है आपको टिकट ये देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादा अच्छा होगा कि जहाँ का वेन्यू है, जिस वेन्यू पे आप बुक करना चाहते हो, उसी टीम के जो है वेबसाइट पे जाओ, या सिर्फ डायरेक्ट पेटीएम इनसाइडर पे चले जाओ, insider.in करके आता है, तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट जो है आप टिकट बुक कर सकते हो जिसका भी बुक करना चाहते हो। बहुतों का जो है आपको सोल्ड आउट मिलेगा, और टिकट प्राइस जो है बहुतों का जो है आपको महंगा वाला अवेलेबल होगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो, और उसके अलावा जो है आप अगर देखना ही चाहते हो तो थोड़ा सा लेट के जो है वो देख लो, लेट इन द सेंस कि आप जो है वो अभी 2500-2800 मैच चल रहा है, तो 4500-4500 मैच का जो है बुक कर लो, जिससे आपको अवेलेबिलिटी जो है मिल जाएगा।
तो इस तरह का जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाता है, और आप जो है इसे टिकट बुक कर सकते हो। और होप्स में कि आपके जो क्यू नहीं था ये मैंने सॉल्व कर दिया है, मैंने बुक करके नहीं दिखा जो मैंने पहले ही बता दिया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे लोग रिप्लाई कर देंगे उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा, तो उससे जो है आपके सारे जो क्वेश्चन है वो सबका सॉल्व हो जाएगा। होप्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।